ऊपर लाइट आ रही है। अब मैं धीरे धीरे एंगल चेंज कर रहा हूँ, लाइट डार्क होती जा रही है, नेचुरल रहे जैसे आप रियल लाइफ में हो तो आपकी पिक्स बहुत अच्छी आएगी। आप अगर वॉक कर रहे हैं तो आप नॉर्मल रहे, आपके सामने तो आप कहीं भी आसपास देखिए जहाँ पे छाया हो या अच्छी लाइट आ रही हो, नॉर्मल लाइट आ रही हो तो वहाँ पर। व्हाट्सअप एवरीवन, माय नेम इज आमिर मुश्ताक, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम हमारी हर पिक्चर में किस तरह से गुड लुकिंग ऑसम दिख सकते हैं। आपने बहुत सारे एक्टर्स को, मॉडल्स को देखा होगा, वो अपनी हर पिक्चर में गुड लुकिंग ऑसम दिखाई देते हैं। क्या ये मॉडल्स, एक्टर्स सभी क्या हैंडसम होते हैं, क्या गुड लुकिंग होते हैं? नहीं। लेकिन ये लोग कुछ इस तरह की टेक्निक्स, कुछ इस तरह की क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे ये हर पिक्चर में, हर फोटो में ऑसम और गुड लुकिंग दिखाई देते हैं। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसी टिप्स जिससे आप हर फोटो में, पिक्चर में लग सकते हो गुड लुकिंग और ऑसम। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर फैशन, ग्रूमिंग एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। फोटोज़ और पिक्चर्स में अच्छे दिखने के लिए जो नंबर 1 टिप है वो है फेशियल एक्सप्रेशन। हम हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को यूज़ करके बहुत अच्छी पिक्स ले सकते हैं जिनके अंदर हम बहुत अच्छे दिख सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो स्माइल करते हैं और कुछ लोग होते हैं खुश होते हैं, नेचुरल रहते हैं, तो उनकी पिक्स बहुत अच्छी आती है। और कुछ लोग होते हैं जो सीरियस रहते हैं, तो उनकी सीरियस के अंदर बहुत अच्छी पिक्स आती है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो खेल है वो है हमारी आंखों का, हमारी इमेजिनेशन का। तो हम हमारी आंखों से हमारी इमेजिनेशन को इतना अच्छा कर लेते हैं जिससे हमारी पिक्स के अंदर एक क्रिएटिविटी दिखाई देती है, उससे हमारी पिक्स बहुत अच्छी आती है। तो हमेशा फेशियल एक्सप्रेशन का अच्छे से यूज़ करें। टिप नंबर 2, लाइटिंग। लाइट बहुत ज़रूरी पार्ट है पिक्चर्स के लिए। अभी आप देख सकते हैं मैं विंडो के सामने खड़ा हूँ और विंडो से सीधी मेरे फेस के ऊपर लाइट आ रही है। अब मैं धीरे धीरे एंगल चेंज कर रहा हूँ, लाइट डार्क होती जा रही है। अभी ये पूरी डार्क हो गई है, नहीं अभी मैं वापस एंगल को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ ठीक है, हाँ यहाँ ठीक है, हाँ। तो हमें बार बार एंगल को चेंज करके देखना होता है कि हम किस तरह से, कौन से एंगल पे हमारे फेस के ऊपर अच्छी लाइटिंग आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा फ़ोटो लें। और दूसरी बात ये कि आप सीधा सनलाइट के सामने फ़ोटो ना लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्श लाइट हो सकती है। तो आप कहीं भी आसपास देखें जहाँ पे छाया हो या अच्छी लाइट आ रही हो, नॉर्मल लाइट आ रही हो, तो वहाँ पर ही फ़ोटो लें, तो उसमें भी आपकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आएंगी। टिप नंबर 3, पोस्चर एंड एंगल्स। जब भी आप पिक्चर के लिए पोजिंग दें तो आपके शोल्डर थोड़े से पीछे की तरफ होनी चाहिए और चेस्ट आपका अप होना चाहिए और आपका फेस आपके चेस्ट और शोल्डर के अकॉर्डिंग ही हो, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आपके फेस एक्सप्रेशन होने चाहिए, तो उसमें आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी। और आप कैमरे की तरफ भी देख सकते हो, नीचे भी देख सकते हो। और अगर आप स्किनी गाय हो, लीन गाय हो, तो आप और भी कई तरीके से पोजेस दे सकते हो, जैसे अपने हाथों का यूज कर सकते हो। और इस तरह से कई तरीके के इंटरेस्टिंग पोजेस दे सकते हो जिसमें आपकी फोटोज ऑसम और बहुत अच्छी आएंगी। और आप पीछे भी झुक सकते हो। इस तरह से आप कई तरीके से पोजेस दे सकते हो। और उसके अलावा आप एक बात का ध्यान रखें, जब आप पोज दें तो अपने फेस को थोड़ा सा आगे करके और अपने चिन को नीचे की तरफ करें, जिससे आपका ये जो फैट होता है यहाँ पे, अगर थोड़ा बहुत फैट है तो वो आपका फैट नज़र नहीं आएगा और दूसरी आपकी जॉ लाइन और अच्छी दिखाई देगी इस तरह से। तो इस तरह से भी आप पोज दे सकते हो, तो इसमें भी आपकी फ़ोटोज़ गुड लुकिंग और बहुत ऑसम आएगी। नेक्स्ट है स्टाइलिंग एंड ग्रूमिंग। इसके अंदर आपको थोड़ा सा अपने कपड़ों का ध्यान रखना होगा और अपने हेयर स्टाइल पे थोड़ा सा काम करना होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इससे भी आपकी पिक्स ऑसम लगेगी। टिप नंबर 5,
एडिटिंग। एडिटिंग के लिए कई सॉफ्टवेयर आते हैं जो हम हमारे मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार हम पिक लेते हैं तो वो डार्क आ जाती है, तो हम उसे लाइट कर सकते हैं या उसे एडजस्ट कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो पिक को इतना एडिट कर देते हैं कि वो नकली और फेक लगने लगती है, तो इतना एडिट करें कि वो नेचुरल लगे। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपके अगर पिक डार्क है तो आप उसे लाइट कर लें या थोड़ा एडजस्ट कर लें, ज़्यादा एडिट ना करें। क्योंकि मैंने कई देखे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो लोग इतनी ज़्यादा फेक और नकली पिक्स लगाते हैं, वो रियल में कुछ और होते हैं और पिक्स में कुछ और होते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। टिप नंबर 6, बी कम्फर्टेबल। पिक्स में हमेशा कंफर्टेबल रहें, नेचुरल रहें। बहुत सारे लोग होते हैं जो पिक्स लेते समय स्टिफ हो जाते हैं, वो बहुत फेक और नकली से दिखते हैं। कोशिश करें कि आप पिक्स लेते समय हमेशा नॉर्मल रहें, नेचुरल रहें, जैसे आप रियल लाइफ में हो, तो आपकी पिक्स बहुत अच्छी आएगी। आप अगर वॉक कर रहे हैं तो आप नॉर्मल रहें, आपके सामने अगर आपके कैमरा है तो आप नॉर्मल रहें जैसे आप नेचुरल अपनी लाइफ में रहते हैं। अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो नेचुरल आप स्माइल करें जैसे आप रियल लाइफ में स्माइल करते हैं। बस कुछ एक इस तरह की ट्रिक्स है जिसमें आपको नेचुरल रहना है, नॉर्मल रहना है और आपकी पिक्स गुड और औसम आने लगेगी। तो इन चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखें, आपकी पिक्स हमेशा औसम आएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. I will not surrender. I will do my best until I get put under.